नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो तकरीबन सभी साधकों का ये प्रश्न होता है, मैक्सिमम साधकों का वो प्रश्न है, ध्यान में कितना समय बैठें और मुक्ति कैसे प्राप्त करें। तो ये प्रश्न हर एक साधक का होता है। तो पहले तो ये बता दें कि हमें ध्यान शुरू बचपन से ही करना चाहिए, या बड़े हो गए हैं, यंग हैं, या बूढ़े हो गए हैं, कैसे ध्यान करें, कितना ध्यान करें, ये सभी का अलग अलग है। अगर तो जैसे माँ बाप हैं तो वो बच्चों को भी बोलते हैं ध्यान करो, तो जब तो बच्चा बहुत छोटा होता है तो आपने देखा होगा उसके सिर के ऊपर जिसे तालू बोल देते हैं और वहाँ पे मांस जो होता है उसका बहुत ही हल्का होता है, जैसे दिल की धड़कन चलती है और हमारा हार्ट वाइब्रेट करता हिलता है, उसी तरह सर के ऊपर हमारे जहाँ सहस्रार चक्र होता है बच्चे का, वहाँ पे वो धड़कन सी चलती है सिर के ऊपर। उसका मतलब होता है कि उसका जो है दशम द्वार, जो सहस्रार हम बोल देते हैं, सहस्रार चक्र ओपन है, जिससे वो उस परमेश्वर, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ा होता है। उसे बच्चे को ध्यान करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा ही ध्यान में है, उस परम सत्ता के अटैच में है, जुड़ा हुआ है उससे। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो पर्दा धीरे धीरे हार्ड हो जाता है और वो रास्ता जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है और फिर उसे ध्यान की जरूरत पड़ती है उस परमात्मा, उस परमेश्वर से जुड़ने के लिए। जैसे आपको कहीं जाना हो, किसी घर में आपको बुलाए, इस घर में जाके वापस आ जाओ, तो अगर दरवाजे खुले हैं तो आप जाएंगे और तुरंत वापस भी आ जाएंगे, लेकिन अगर दरवाजा बंद है और आपको कहें आपने अंदर जाना है और फिर अंदर घूम कर आना है तो आपको समय लगेगा। फिर आप जाओगे दरवाजे के, पहले चाबी खोलो, खोजोगे कहाँ है, कैसे खोलें, अगर नहीं है, ताला जंग लगा है, कुछ लगा है, नहीं खुल रहा ज़्यादा दिनों से, तो आप उसको कोई हथौड़ा लोगे, आरी लोगे, कुछ लोगे जिससे उसको काटोगे और फिर खोलोगे और फिर अंदर जाके वापस आओगे। तो जब वो छोटा था तब तो वो सामान्य रूप से गया और वापस आ गया। इसी तरह ध्यान में बच्चे जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उनका जो दरवाजा है, सहस्रार चक्र है, दशम द्वार है, वो ओपन होता है। वो बैठे अगर ध्यान से, अगर उन्हें आपने ज्ञान दे दिया हुआ है तो वो तुरंत ही ध्यान में उतर जाएंगे और वो चाहे 5 मिनट ध्यान करें, 10 मिनट ध्यान करें, 1 घंटा करें, 1 दिन करें, उनके लिए जब वो आनंद में लीन हो जाए तो कोई समय नहीं। लेकिन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है और फिर ध्यान करते हैं तो उन्हें समय लगता है। अब जैसे मान लो किसी की उम्र 25 साल 30 साल है और उसे कहेंगे ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना है या दरवाजे की चाबी ढूंढ के अंदर जाना है तो कुछ समय लगेगा उसको, लेकिन वो कर लेगा क्योंकि वो यंग है, अभी जल्दी खोल लेगा। लेकिन वही 25 साल के बाद अगर हम किसी 40 साल 45 साल 50 साल बूढ़े को कहेंगे ये दरवाज़ा खोल के जाओ, तो वो दरवाज़ा अगर ताला लगाया तो जंग लग गया है, और अगर दरवाजे को खोलने के लिए ये आरी देंगे काटने के लिए या हथौड़ा देंगे तो उसे और ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उसका शरीर भी उस समय साथ नहीं देता। तो इसी तरह ये उम्र के हिसाब से ही ध्यान का समय निर्धारण होता है। जैसे आपकी उम्र 30 साल है तो आपको कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को ध्यान करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है तो आपको और समय लगेगा दरवाजे को तोड़ने में, दरवाजे को खोलने में, तब आपको
50 मिनट, अगर आपकी 50 साल उम्र है तो 50 मिनट सुबह और 50 मिनट रात को दो बार आपने ध्यान करना है। तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैंने उदाहरण के साथ आपको कोशिश किया है, आपको ये समझ लग जाए कि दरवाजे को खोलने के लिए कितना समय आपको चाहिए और आप फिर अनंत से मिल जाएंगे। जब आप अनंत से मिल गए तो आप मुक्ति को प्राप्त हो गए, आप हो ही मुक्त, बस आपने ही दरवाजा लगाया हुआ है। जब उस दरवाजे को खोल लोगे तो आप मुक्त हो, आप तो कोई भी चीज़ घेर नहीं सकती। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये शारीरिक हैं, आत्मिक नहीं। जब आप आत्मिक तौर पर आ जाओगे, अपने आप को आत्मा समझोगे, तब ये शारीरिक बंधन आपको बांध नहीं पाएंगे और आप पाओगे आप पहले भी मुक्त थे और ध्यान में जाके भी मुक्त हो। तो इसी के साथ दोस्तों कोशिश करिए, जो भी जिन भी साधकों को ये प्रश्न हो कि ध्यान कितना समय करें, तो उनको ये वीडियोस आप जरूर शेयर कर दें। आपका ये सहयोग, जैसे हम आपकी वीडियोस बनाकर आपके लिए देते हैं तो आपको सहयोग मिलता है, इससे आप भी इस वीडियोस को शेयर करके हमारे सहयोग को आगे बढ़ाएं। इतना ही करें, लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं, लाइक लुक हमें नहीं चाहिए, सिर्फ आप ये नॉलेज आगे ही बढ़ाएं, बस हमारा यही मकसद है। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ, धन्यवाद।